नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश एक्सप्रेस रिपोर्टर में। और आइए आपको सीधे ले चलते हैं भोपाल। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने पहली बार रिश्वतखोरों की सूचना देने के लिए टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। साथ ही इन मोबाइल नंबर्स पर आने वाली शिकायतों को सुनने और सही सलाह देने के लिए एक टीम भी तैनात की है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने रिश्वतखोरों की सूचना देने के लिए पहली बार टेलीफोन और मोबाइल नंबर जारी किए हैं। इन नंबर्स पर आने वाली शिकायतों को सुनने और सही सलाह देने के लिए एक टीम भी तैनात की गई है। ये टीम भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आई शिकायत को रजिस्टर में दर्ज करेगी। इन शिकायतों की मॉनिटरिंग जोन के पुलिस अधीक्षक करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने भी अपने नंबर इस तरह सार्वजनिक किए हैं। इसके अलावा लोकायुक्त पुलिस मध्य प्रदेश के हर बड़े सरकारी दफ्तर के बाहर पैम्पलेट भी लगवा रही है। इसमें इन नंबर्स के अलावा रिश्वत मांगने वालों की शिकायत करने की अपील की जा रही है। इसमें लिखा है कि यदि आपसे किसी सरकारी अधिकारी कर्मचारी ने कोई काम करने के लिए रिश्वत मांगी है या उनके द्वारा कोई भ्रष्टाचार किया जा रहा हो तो इस पते पर सूचना दें। गौरतलब है कि इससे पहले राजस्थान ACB CBI जैसी भ्रष्टाचार निवारण एजेंसियां इस तरह के नंबर्स जारी करती रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जम्बो कार्यकारिणी घोषित करने के बाद अब छन्ना लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। अब सभी पदाधिकारियों का वर्क रिपोर्ट देखी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पिछले महीने ही कार्यकारिणी की घोषणा हुई। एक जम्बो कार्यकारिणी के साथ घोषित इस टीम में काफी लबोलुआब देखने को मिला। कई सारे कार्यकर्ताओं को जब पदाधिकारी बनाया गया तो एक खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन वो खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी, क्योंकि जिस प्रकार से विजयपुर में कांग्रेस पार्टी ने विजय का स्वाद चखा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी को इस बात का एहसास हो गया कि अगर कार्यकर्ताओं के काम का मूल्यांकन होता है वो कार्यकर्ता अच्छे से काम करते हैं और दबाव में काम करेंगे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के संगठन का तरीका अपनाते हुए सभी पदाधिकारियों के कामों का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया गया है। ब्लॉक और जिला स्तर में भी कांग्रेस कमेटी की ओर से प्लान की जा रही है कि सभी पदाधिकारियों के कामों का मूल्यांकन किया जाएगा। हर महीने हर कार्यकर्ता और पदाधिकारी अपनी वर्क रिपोर्ट खुद सौंपेगा और अगर वर्क रिपोर्ट में परफॉर्मेंस उनकी डाउन होती है तो उसके बाद उनको बाहर करने का भी रास्ता तैयार किया जाए। पिछले महीने जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने जंबो कार्यकारिणी घोषित की थी तो इस बात में कोई शक नहीं कि कांग्रेस कार्यकारिणी में कई पदाधिकारियों को खुश करने का प्रयास किया गया, लेकिन अब सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के कामों की समीक्षा करके उनको पद से भी हटाने की जिस प्रकार से वकालत की जा रही है उससे कई कार्यकर्ताओं में नाराजगी का भी दौर देखने को मिल रहा है। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्र। मंत्री गौतम टेटवाल का जिस प्रकार से सोशल मीडिया पर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है, जिसके बाद हिंदू संगठन भी लगातार मंत्री से माफी की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मौजूदा सरकार में कौशल विकास एवं रोजगार विभाग राज्य मंत्री गौतम टेटवाल का सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में मंत्री गौतम टेटवाल अजान के लिए अपना भाषण रोक दिए। राज्य मंत्री का ये वीडियो रविवार को उप स्वास्थ्य केंद्र के भूमि पूजन कार्यक्रम का बताया जा रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन मंत्री का विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि मंत्री हिंदू समाज से माफी मांगे। वहीं मामले को लेकर कांग्रेस मंत्री गौतम टेटवाल पर हमलावर है। यहां कांग्रेस का कहना है कि BJP का चाल चलित और चेहरा अब दिखाई देने लगा है। दरअसल पूरा घटनाक्रम कब हुआ, जब राज्य मंत्री गौतम टेटवाल रविवार को अपने गृह नगर राजगढ़ जिले के सारंगपुर विधानसभा के माऊ गाँव में 55 लाख रुपए की लागत से बने उप स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन कर रहे थे, उस दौरान यह पूरा घटनाक्रम हुआ है। मंत्री के वीडियो के बाद हिंदू संगठन लगातार माफी की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि BJP का चाल चलित चेहरा अब दिखने लगा है।
स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन अमित के साथ विवेक राणा। नगर निगम के BCCL की लापरवाही के कारण आज भोपाल की आम जनता को होना पड़ रहा है परेशान। भोपाल की लगभग 20 रूटों पे नहीं चल रही है बसें। भोपाल में लो फ्लोर बसों के संचालन में फिर से बाधा उत्पन्न हुई है, जिसके यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। 12 रूटों पर चलने वाली लगभग 250 लो फ्लोर बसें बंद कर दी गई है। वर्तमान में केवल 10 रूट पर 120 बसें ही संचालित हो रही है। इसका मुख्य कारण उन रूटों पर बस ऑपरेटरों को आर्थिक नुकसान बताया जा रहा है, और नगर निगम BCCL द्वारा बस ऑपरेटर का भुगतान नहीं करने के कारण भी बसों का संचालन नहीं किया जा रहा है। इस समस्या के चलते यात्रियों को घंटों बस स्टॉप पर इंतजार करना पड़ रहा है और वैकल्पिक साधनों से महंगा सफर करना पड़ रहा है। कई रूट्स पर यात्रियों को घंटों तक बस की प्रतीक्षा करनी पड़ रही है, जिससे दैनिक यात्रियों की दिनचर्या बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस मामले में यात्रियों ने प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान निकालने की मांग की है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड BCCL और अन्य संबंधित अधिकारियों से अपेक्षा है कि रूट्स पर बस सेवाओं को पुनः चालू करें और यात्रियों की असुविधाओं को दूर करें। भोपाल की जनता यातायात को लेकर परेशान हो रही है, लेकिन नगर निगम हो या BCCL, इन बसों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं लापरवाही बरत रहा है। उन्हें आम जनता से कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है कि इन बसों को चला जाए और आम जनता को इसका फायदा मिले। हम देखते आ रहे हैं, हमेशा जब से बसें चालू हुई है या जो आम जनता के लिए सुविधाएं दी थी, उसमें कहीं ना कहीं परेशानियां आती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि BCCL के कारण और नगर निगम के अधिकारियों के कारण ये बसें खड़ी हो गई, लेकिन अब तक इन बसों को इन रूटों पे नहीं उतारा गया, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगर, भोपाल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर पुलिस को 30 ब्रेथ एनालाइज मशीन अग्रवाल ट्रस्ट द्वारा दी गई है। इंदौर शहर में शराब पीकर हुड़दंग मचाने वाले शरारत तत्वों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अब शहर की सामाजिक संस्था ने भी हुड़दंगियों पर रोक लगाने के लिए 30 ब्रेथ एनालाइजर पुलिस को उपलब्ध कराए हैं, जिससे हुड़दंगियों पर रोक लगेगी। शहर की अग्रवाल समाज से जुड़े एक समाजसेविक संगठन ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के समक्ष 30 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए हैं। प्रदेश सरकार द्वारा भले ही नाइट कल्चर को बंद कर दिया गया है, लेकिन शहर में सड़कों पर देर रात तक शराबियों का हुड़दंग करते हुए देखा जा सकता है, जिसे देखते हुए पुलिस ब्रेथ एनालाइज से जांच कर कार्रवाई भी करती है। इसी कार्रवाई को लेकर प्रभावी बनाने के लिए अग्रवाल समाज से जुड़ी एक संस्था ने 30 ब्रेथ एनालाइजर उपलब्ध कराए हैं, जिसकी मदद से पुलिस अब और प्रभावी तरीके से शराबियों पर कार्रवाई कर सकेगी। नाइट कल्चर के दौरान इंदौर शहर में लगातार युवक युवतियों की शराबखोरी की तस्वीरें सामने आती है। इन मशीनों के मिलने के बाद इंदौर पुलिस इस पर लगाम लगा पाएगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ राज्य शासन अब मुकदमा दर्ज करेगा। इस बात का विरोध करने के लिए भारतीय किसान संघ के साथ अनेक किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ट्रैक्टर में पराली लेकर पहुंचे, और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्टर से संबंध में चर्चा की। पराली जलाने के मामले मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य शासन ने आदेश दिया है कि जो भी किसान पराली जलाएगा उसके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाएगा। इस आदेश के खिलाफ भारतीय किसान संघ मुखर हो गया और जबलपुर जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने ट्रैक्टरों में पराली भरकर लेकर आ गए और कलेक्टर कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। इस दौरान जिला कलेक्टर ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया और उन्हें समझाया कि किस वजह से ये आदेश जारी किया गया है। फिलहाल भारतीय किसान संघ ने अभी अपना विरोध प्रदर्शन जो है वो स्थगित कर दिया है। पराली लेकर आए किसानों ने अपना विरोध तो दर्ज करा दिया, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आखिर प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, इस मुद्दे पर कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। मानसून की विदाई होते ही कोलाचल क्षेत्र में ईंट भट्टों के काम शुरू हो गए हैं। इन्हीं ईंट भट्टों पर रात के अंधेरे में अवैध कोयला पहुंचाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सक्रिय कोल माफिया बंद ओपन कास्ट कोयला खदानों से मजदूरों से अवैध कोयला उत्खनन करवाकर बोरियों में भरकर बैकहोक परिवहन कर चांदी काट रहे हैं। सूचना पर जब खनिज विभाग की टीम ने पेंच क्षेत्र की बंद ओपन कास्ट माइंस हरण भट्टा में दबिश देकर कोयलों से भरी बोरियों को जब्त किया, जिसके बाद माफियाओं में हड़कंप। मानसून की विदाई होते ही कोयलांचल क्षेत्र की बंद ओपन कास्ट कोयला खदानों से अवैध कोयला उत्खनन करने कोल माफियाओं सक्रिय हो गए हैं। चंद रुपयों का लालच देकर मजदूरों से रात के अंधेरे में अवैध कोयला उत्खनन करवाते हैं और उन्हें बोरियों में भरकर रातों रात वाहनों से ईंट भट्टों तक पहुंचाते हैं।
जब कोल माफिया ने रात के अंधेरे में कोयला बोरियों में भरकर खदान के ऊपर रखा था और वाहनों से परिवहन करने की फिराक में थे। मुखबिर की नजर पड़ते ही सूचना खनिज विभाग तक पहुंची। देर शाम खनिज विभाग की टीम ने हरनभट्टा की बंद ओपन कास्ट कोयला खदान पर दबिश देकर कोयले से भरी 32 बोरियों को जब्त किया। अवैध कोयला खनन और परिवहन को लेकर वर्षा काल के बाद ये पहली बड़ी कार्रवाई हुई है। कार्रवाई के बाद कोल माफिया में हड़कंप मच गया है। खनिज विभाग की कार्रवाई के बाद बंद ओसीएफ खदानों से अवैध कोयला उत्खनन में रोक लग पाएगी या माफिया के बुलंद हौसले कार्रवाई के बाद भी अवैध उत्खनन और परिवहन जारी रखेंगे? रांची से एक्सप्रेस रिपोर्टर अनिल लहरिया। इन दिनों सांची के विदिशा में शामिल करने की चर्चा तेजी से चल रही है, जिसको लेकर विरोध के स्वर सुनाई देने लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता एक ही मंच पर दिखाई देने लगे हैं। इसके साथ ही इस स्थल से छेड़छाड़ पर बड़े आंदोलन की तैयारी भी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के जिलों का परिसीमान और नई तहसीलों के गठन की कवायद के लिए कमेटी बनाने के साथ साथ अभी से विरोध के स्वर गूंजने लगे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रायसेन जिले में स्थित विश्व धरोहर सांची को विदिशा और औद्योगिक नगर मंडीदीप को भोपाल राजधानी में मिलाने का प्रस्ताव सरकार बना रही है, जिसकी भनक लगते ही रायसेन में जिम्मेदार नागरिक अपनी आवाज को उठाने के लिए जिला बचाव संघर्ष समिति का गठन कर जिले के विभाजन का प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल से में बदलाव को अस्वीकार कर दिया है। ये संघर्ष समिति चरणबद्ध तरीके से आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर अब इसे लंबा चलाने की तैयारी कर रही है। रायसेन जिला मुख्यालय पर मंगलवार देर शाम महामाया चौक गांधी प्रतिमा से एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जो स्थानीय महामाया चौक से भारत माता चौराहा स्थित रायसेन जिला बचाव संघर्ष समिति कार्यालय पहुंचा, जहां समिति के सदस्यों सहित गणमान्य नागरिकों ने रायसेन जिले को सांची और मंडीदीप को बचाने के लिए कमर कसने की बात कही। पिछले दिनों जिला बचाव संघर्ष समिति के सदस्यों ने सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मुलाकात की। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने आश्वासन दिया है कि सांची रायसेन में है और रायसेन में ही रहेगा। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु कार्यशाला का हुआ आयोजन। ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी के लिए एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। खादी ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं की भी दी जानकारी। लघु सूक्ष्म मध्यम व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण व ऋण की दी जानकारी। ग्रामोद्योग विकास विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, तो खादी व ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लघु सूक्ष्म मध्यम व्यवसाय के लिए ऋण व प्रशिक्षण की सुविधाएं भी सरकारी स्तर पर की जा रही है, किंतु लोगों की योजनाओं की जानकारी न होने से योजनाएं जमीनी स्तर पर नजर नहीं आ रही है। ऐसे में इन योजनाओं के प्रचार प्रसार व लोगों को इसका लाभ मिले, इस उद्देश्य से सरकार द्वारा प्रचार प्रसार के लिए विभागों के माध्यम से कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र के लोगों को ग्रामोद्योग विकास योजनाओं की जानकारी व अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना था, जिसमें भोपाल से आए सहायक निदेशक संजय राणा द्वारा विभिन्न योजनाओं पर प्रकाश डाला गया, तो ग्रामीण अभियंत्रिकी व नवीन तकनीकी उद्योग वेस्टवुड टर्नआउट उड़नताया पंचगव्य आदि की जानकारी दी गई। साथ ही इसमें लगने वाली मशीनों की लाभार्थियों को सब्सिडी व अनुदान पर कैसे ले इसकी जानकारी दी। साथ ही लोगों को जो है प्रशिक्षण देने की बात भी इसमें कही गई है। देखना है कि इस कार्यशाला का कितने लोग आगे भी लाभ ले पाते हैं। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे। लोगों के लिए ये एक और परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं सरकार द्वारा जो एसटीपी का कार्य होना था वो अभी भी विलंबित है। लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़, उसके साथ ही पानी को भी दूषित किया जा रहा है। केंद्र व राज्य सरकार द्वारा गंगा को स्वच्छ व निर्मल रखने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, बावजूद इसके उन्नाव में गंदे नाले का पानी सीधे गंगा में गिराया जा रहा है। नमामि गंगा परियोजना के तहत डकारी गांव में 38 करोड़ की लागत से 15 एमएलडी का सीवरेज प्लांट और अहमदनगर मुन्नू बगिया के पास 3 बीघा 8 बिसवा जमीन पर लगभग 35 करोड़ लागत से एसटीपी का कार्य किया जाना था, जो पिछले वर्षों से चल रहा है। समयावधि के 1 वर्ष से अधिक बीत जाने के बाद भी अभी तक कार्य पूरा नहीं हो सका है। सीधे गिर रहे गंगा में नाले
लोगों की आस्था के साथ तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। इस ओर कौन सा कदम उठाता है, एसटीपी का जो रुका हुआ कार्य है वो विभाग के लोग कितने दिनों में पूरा कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल जो गंगा में सीधे नाले गिर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। एक्सप्रेस रिपोर्टर उन्नाव से द्विजेंद्र मिश्रा। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रही नशीली दवाओं के कारोबार पर रोक लगाने के लिए सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। इसी कड़ी में गृह विभाग और स्वास्थ्य विभाग मिलकर संयुक्त रूप से नशे के व्यापार पर शिकंजा करने की तैयारी कर रही है। प्रदेश में नशीली दवाओं के बढ़ते कारोबार के रोकथाम के लिए छत्तीसगढ़ सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मंगलवार को मंत्रालय में डिप्टी सीएम विजय शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्वास्थ्य विभाग और गृह विभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में गृह मंत्री विजय शर्मा ने नशीली दवाओं के नियंत्रण के लिए मेडिकल दुकानों का नियमित आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए और मेडिकल स्टाफ जो अवैध रूप से नशीली दवाओं के कारोबार में संलग्न है उन पर त्वरित कठोर कार्रवाई करने की बात कही। इसके अलावा भी ऐसे दुकानदारों पर FIR और गिरफ्तारी की भी कार्रवाई करने के निर्देश दिया गया है। शायद सरकार नशे की चेन को तोड़ना चाहती है, इसको लेकर ये बैठक हुई। अब देखना होगा आने वाले समय में इस बैठक का क्या परिणाम निकलकर सामने आता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप सामंत। बहुचर्चित झांसी अग्निकांड में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके इतर SIT जांच के बाद प्रशासनिक अमला ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है, वहीं पे प्रचार को महानिदेशक कार्यालय में संबंध कर दिया है। इसके अलावा 3 अन्य लोगों की भूमिका की जांच झांसी मंडल के मंडलायुक्त को दिया गया है। हालांकि मंडलायुक्त को पहले भी जांच दिया गया था, लेकिन उनके जांच रिपोर्ट को नकार दिया गया था। झांसी अग्निकांड मामले में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है। 3 अन्य जिम्मेदारों को सस्पेंड किया गया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर गठित 4 सदस्यीय कमेटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर आज दोपहर यह फैसला लिया गया। मेडिकल कॉलेज में आग लगने से 15 नवंबर को 10 बच्चे जिंदा जल गए थे। 26 नवंबर तक कुल 18 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह सेंगर को पद से हटा दिया गया है। उन्हें चिकित्सा शिक्षा विभाग के महानिदेशालय से संबद्ध किया गया है। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर सचिन माहौर को आरोप पत्र दिया गया है। कॉलेज के अवर अभियंता विद्युत संजीत कुमार, NICU वार्ड के नर्सिंग सिस्टर इंचार्ज संध्या राय और मेडिकल कॉलेज की प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर सुनीता राठौर को सस्पेंड कर दिया गया है। 10 नवंबर के लगभग 10:30 बजे रात को अग्निकांड हुआ। उस अग्निकांड में 10 नवजातों की मौत हो गई और अभी तक की अगर बात करें तो 8 अन्य भी नवजात इलाज के दौरान मर चुके हैं। ऐसे में पूरा आंकड़ा बढ़ करके 18 हो चुका है। इसके इतर इस जांच रिपोर्ट में 3 लोगों को सस्पेंड किया गया है। प्राचार्य को वहां से हटा करके महानिदेशक कार्यालय में संबद्ध कर दिया गया है। आगामी कुछ दिनों में विधानसभा सत्र चलने वाला है, उसके पहले सरकार आनन फानन में इस मुद्दे को पूरी तरीके से क्लोज करना चाह रही है। लेकिन लगातार हो रहे मौत के आंकड़े सरकार के लिए गले की हड्डी भी बन करके सामने आ गई है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशान चौरसिया।